फ्रेंड्स मैं हम सूर्य हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। इंडिया में ही नहीं दबंग थ्री का इंटरनेशनल लेवल में भी धमाल शुरू है। और यहाँ पे यूएई की अगर बात करूं, इसकी फर्स्ट थ्री डेज का किस तरह से ओपनिंग होगा उसके बारे में बताऊंगा, और इसकी एडवांस भी किस तरह से फिलहाल हो रही है उस बारे में बताऊंगा। पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद गुरुवार को रिलीज नहीं होगी, इसको वो नहीं मिलेंगे स्क्रीन, ऐसा कुछ नहीं है। जिसे हम कहते हैं ना बुधवार की देर शाम से, नॉर्मली क्या होता था पहले बुधवार को सुबह से फिल्म रिलीज होती है, लेकिन ज्यादातर बड़े बड़े स्टारों की फिल्म गुरुवार को शाम से शुरू होती है। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, यानी कि थर्सडे 7 बजे का जो शो होगा, दुबई के हिसाब से 7 बजे का शो, वो पहला शो होगा यूएई में जिसके टिकट धमाल दबा के बुक हो रहे। उसके बाद यानी कि 19 तारीख के और 19 तारीख के टिकट 7 बजे के बाद से कई सारे थिएटर में बुक हो रहे, ठीक है। और उसके बाद 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, ये पहले 3 दिनों में इस फिल्म का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, क्योंकि आने वाला है, क्योंकि पहले जो 19 तारीख है उसका जो लेट पेड प्रीव्यूज जो शुरू हो रहे बहुत अच्छे हैं और उसके रिस्पॉन्स काफी अच्छे। कई जो थिएटर से कुछ स्क्रीनशॉट्स मुझे हाथ लगे हैं जिसमें ऑलमोस्ट हाउसफुल दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको एक बात साफ साफ कह सकता हूं कि ये पहले दिन में लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने में कामयाब हो सकेगी, यानी कि $1 मिलियन। और पहले 3 दिनों में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये फिल्म करीबन 18 से 20 करोड़ तक की ओवरसीज में, स्पेशल यूएई में कमाई करने में कामयाब होगी। क्योंकि हमेशा सभी को पता है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सबका जो बेस है यूएसए और यूएई में बहुत ज्यादा है, तो यहां पर फिल्म का एक बड़ा चंक ऑफ कलेक्शन आ सकता है। और ये कलेक्शन ग्रॉस में होगा, ग्रॉस कलेक्शन यानी कि नेट नहीं, तो ये बहुत अच्छा चांसेस लग रहा है पहले 3 दिनों का। और इसकी एडवांस बुकिंग अच्छी खासी तरह से शुरू हो चुकी है और देर शाम 7 बजे से पहला शो 19 तारीख को आएगा, यानी कि यहां पर रात को 11, 12 या 1 बजे तक हमें दबंग थ्री का फर्स्ट रिव्यू हाथ लगेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो शाम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय।